हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। और आज तारीख हो गई है 12 मार्च 2021 दिन शुक्रवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। बहुत ही इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण सेलेक्टेड खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, सो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। पति पत्नी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक नया नियम निकल कर आ रहा है। इसके अलावा कुछ महंगा सस्ता होने को लेकर भी बड़ी खबरें हैं। सबसे अच्छी खबर दोस्तों पेट्रोल GST में आने को लेकर भी एक अपडेट है, क्या मैं आपको बताऊंगा। साथ ही मोदी सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले भी हैं। आइए नजर डाल लेते हैं एक एक करके आज के 50 बड़ी ही काम की खबरों पर। सीधे बात करें पहले अपडेट में, देखिए आम आदमी के लिए एक दुखद खबर है दोस्तों कि गर्मी शुरू होने से पहले ही AC, फ्रिज, कूलर वगैरह ये चीजें महंगी हो सकती हैं। कितनी इनकी कीमत बढ़ सकती है? जी हाँ, तो दरअसल आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप भी इस साल गर्मी के मौसम में AC, फ्रिज या कूलर वगैरह कुछ भी खरीदने की सोच रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि आने वाले महीने में ये कंपनियां अपनी कीमतों में बढ़ोतरी करने का प्लान कर रही हैं। क्योंकि कंपनियां कच्चे माल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के चलते AC वगैरह की कीमत बढ़ा सकती है, ऐसा कंपनियों का कहना है। एक तो इस साल आपको 2000 रुपए तक AC महंगा मिलेगा, पंखा भी महंगा होगा, और इतना ही नहीं दोस्तों 1 अप्रैल 2021 से TV वगैरह भी महंगे हो सकते हैं। LED TV के दाम भी बढ़ जाएंगे। एक महीने में ये पैनल जो है 35% तक आपको महंगे मिल सकते हैं। इसका सीधा असर क्योंकि LED TV की कीमतों पर पड़ेगा, क्योंकि LED TV पैनल जो है ना वो महंगे हो रहे हैं। इसीलिए तो कहने का मतलब, अगर आप भी इस साल ये कुछ भी लाने की सोच रहे हैं तो आप अप्रैल से पहले ले आए, आप जरूर थोड़े बहुत फायदे में रहेंगे। 2-5-10 हजार रुपए की आपको बचत हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए, क्वाड देशों के प्रमुखों की बैठक आज। पीएम मोदी, सुगा, बाइडेन व मॉरिसन तय करेंगे भावी एजेंडा। जहां दरअसल दोस्तों क्वाड देश यानी कि 4 देश, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत, इन 4 देशों के प्रमुखों की ऐतिहासिक बैठक होने जा रही है। और सबसे अच्छी बात ये दोस्तों कि भारत जो है वो इस बैठक की अध्यक्षता करने जा रहा है। भारत इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और इस संगठन के प्रमुखों की बैठक भी भारत में आयोजित होने की तैयारी की जा रही है। तो देखते हैं चारों बड़े महानेताओं के द्वारा और क्या कुछ नया फैसला लिया जाता है, मैं आपको बता दूंगा खबर अपडेट आगे। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, खुशखबरी है, महाराष्ट्र और दिल्ली वाले लोगों को मिलेगा सस्ता पेट्रोल। GST के दायरे में लाने को तैयारी हो रही है। जी हाँ, आपको बता होगा पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल डीजल काफी महंगा हो रहा है और इसके बढ़ते दामों से आम जनता परेशान है, राइट। लेकिन अब जनता को राहत देने के लिए एक तो महाराष्ट्र सरकार जो बड़ा कदम उठाने जा रही है। जहाँ दरअसल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये प्लानिंग लगा रही है दोस्तों कि पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाया जाए, इसकी मांग भी की है संसद में, विधानसभा में, जहाँ कहीं भी महाराष्ट्र सरकार को लगता है। और इस मांग के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने कहा कि अगर पेट्रोल डीजल GST के दायरे में आता है तो इससे केंद्र और राज्य सरकार दोनों को ही फायदा मिलेगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने ये भी कहा कि अगर केंद्र सरकार इस तरह का फैसला लेती है ना, तो फिर महाराष्ट्र सरकार भी उनका पूरा समर्थन करेगी। वह इतना ही नहीं, दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाने की अपनी मांग रख चुके हैं। तो ये कुछ महाराष्ट्र और दिल्ली राज्य जो कड़ी कोशिश कर रहे हैं पेट्रोल डीजल को GST में लाने की। देखते हैं अब फाइनल फैसला केंद्र सरकार को लेना है आखिर कब तक ये आ पाता है, और अगर ये GST में आ जाता है ना तो फिर आम आदमी को थोड़ा सस्ता जरूर ये मिलेगा। वहीं पेट्रोल डीजल GST में लाने को लेकर देखिए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का क्या कहना है। उन्होंने कहा कि GST के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाने के लिए GST परिषद की सिफारिश जरूरी है और ये चीज सरकार के हाथ में नहीं है। अभी भी दोस्तों पेट्रोल डीजल को GST में लाने के दायरे पर बहस जारी है, क्योंकि किसी भी वस्तु पर GST लगाने या हटाने या उनकी दरों में बदलाव करने के लिए GST परिषद के द्वारा फैसला लिया जाता है। इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं और देश के वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता भी करते हैं। जी हाँ, अगर दोस्तों पेट्रोल डीजल GST के दायरे में आता है ना, तो 75 रुपए प्रति लीटर का भाव 68 रुपए प्रति लीटर तक आ सकता है, यानी कि अभी लगभग 90-95 चल रहा है तो वो 80-85 तक आ सकता है, समझ रहे हो ना। और देखते हैं आगे और गवर्नमेंट का क्या फैसला आता है, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, हुंडई कंपनी एक नई कार ला रही है जो कि हाइड्रोजन SUV हो कहलाएगी, नेक्सो करके, यानी कि ये हाइड्रोजन ईंधन से चलेगी। देखिए महंगे पेट्रोल डीजल से भी आपको निजात मिल जाएगा। जी हाँ, अब आपको कार में पेट्रोल डीजल भरवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पूरी हाइड्रोजन ईंधन से चलेगी। हुंडई कंपनी इस तरह की टेक्नोलॉजी वाली कार भारतीय बाजार में लॉन्च करने की प्लानिंग बना रही है। देखते हैं कब तक इसकी लॉन्चिंग वगैरह हो पाती है। फिलहाल देखिए अगली खबर, PM नरेंद्र मोदी करेंगे आजादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन। साबरमती आश्रम से शुरू होगा पैदल मार्च। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शुक्रवार को यानी कि आज ही गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से पदयात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और आजादी की 75वीं
वर्षगांठ के अमृत महोत्सव से जुड़े कई सारे कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे। पीएमओ की तरफ से बयान जारी करके बात की जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक दोस्तों पीएम मोदी जो है वो आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े कई सारे सांस्कृतिक और डिजिटल कार्यक्रमों का आज उद्घाटन भी करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती आश्रम में लोगों को संबोधित भी करेंगे और इस दौरान गुजरात के राज्यपाल मुख्यमंत्री वगैरह भी मौजूद रहेंगे। तो ये आज की पीएम मोदी की प्लानिंग है, अच्छी बात है। और क्या भाषण वगैरह दिया जाता है जो कोई भी अपडेट चाहता मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, नई शिक्षा नीति पर मुहर लगाएगा बोर्ड ऑफ स्टडीज। जुलाई से ये लागू होने की संभावना है, 70% तक कोर्स जो है वो बिल्कुल एक जैसा होगा। जी हाँ, नई शिक्षा नीति के बारे में आपने सुना होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि सरकार ने हाल ही में बनाई थी, तो अब इसको लागू करने की तैयारियां हो रही है। जल्द ही बोर्ड ऑफ स्टडीज की एक बैठक बुलाई जाएगी और इसमें नए पाठ्यक्रम पर मुहर लगा दी जाएगी। जुलाई महीने से नई शिक्षा नीति लागू होनी है, ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन को अप्रैल तक सिलेबस फाइनल करना होगा। तो ये कुछ प्लानिंग चल रही है इस बार जुलाई के महीने से ही, है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो सकती है। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर, चीन के साइबर हमले रोकने को केंद्र सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है। टेलीकॉम के लाइसेंस के नियमों में ही बदलाव कर दिया। जी हाँ, दरअसल केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो हाल ही में हुए चीन के साइबर हमलों के मद्देनजर टेलीकॉम सेक्टर में हुआवे और ZTE जैसी चाइनीज कंपनियों के बढ़ते दबदबे को रोकने की तैयारी कर रही है। भारत की मौजूदा 4G और आने वाली 5G टेक्नोलॉजी के प्रसार के लिए केंद्र सरकार ने अपने लाइसेंस रूल्स में बदलाव कर दिए और ये भी सुनिश्चित कर दिया कि 15 जून 2021 के बाद इन सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले उपकरण संबंधित अथॉरिटी की मंजूरी के बाद और भरोसेमंद कंपनियों से ही खरीदे जाएंगे। एटलीस्ट कुल मिलाकर के गवर्नमेंट का ये मकसद है कि टेलीकॉम कंपनियां जो है ना, मतलब ये जैसे एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, रिलायंस, जियो वगैरह वगैरह, इनके जगह पर ये कोई चाइनीज कंपनी ना उभर जाए हमारे भारत में, इसलिए सरकार इनकी पॉलिसीज वगैरह को थोड़ा टाइट कर रही है। क्योंकि चाइनीज कंपनी आने का मतलब तो ये है कि फिर पूरा भारत हैकिंग के खतरे में आ सकता है, क्योंकि दोस्तों टेलीकॉम कंपनी के पास तो सारा कंट्रोल होता है और इसीलिए चाइनीज टेलीकॉम कंपनी जो है भारत में डेवलप नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये अच्छी पहल है गवर्नमेंट की। और साथ ही अगली खबर देखिए, हाईकोर्ट के आदेश पर योगी सरकार एक्शन में आ चुकी है और सड़क किनारे जितने भी धार्मिक स्थल बने हुए हैं, मंदिर मस्जिद वगैरह, उनके अतिक्रमण को हटाया जाएगा और इनको हटाने में अगर कोई बाधा डालेगा तो उस पर क्रिमिनल केस भी दर्ज होगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2011 और उसके बाद से जितने भी धार्मिक स्थल जो सड़क किनारे बनाए गए ना, उनको हटाने के आदेश जारी कर दिए। राज्य के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने सभी DM और अलग अलग विभागों के प्रमुख सचिवों को इन निर्देशों की जानकारी भी दे दी है। दरअसल सरकार का ये एक्शन हाईकोर्ट के आदेश पर नजर आया, अतिक्रमण हटाने में बाधा डालने वालों पर क्रिमिनल केस होगा। तो ये योगी सरकार की एक नई पहल है, समझ लीजिएगा। यूपी में सार्वजनिक सड़कों पर, गलियों, फुटपाथ, सड़क के किनारे, लेन आदि पर धार्मिक प्रकृति की कोई संरचना निर्माण की अनुमति बिल्कुल ना दी जाए, अगर ऐसा है तो उसे तत्काल हटा दिया जाए। चलिए साथ ही फिलहाल देखिए अगली खबर, घरेलू हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आ रहा कि ससुराल में पत्नी को पहुंची हर एक चोट के लिए पति जिम्मेदार होता है। जी हाँ, देखिए दोस्तों, माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से पति पत्नी के बीच एक नया फैसला आप देख सकते हैं। किसी मामले की सुनवाई करने के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच का यह कहना दोस्तों कि ससुराल में पत्नी को अगर किसी भी तरीके से कोई भी चोट पहुंचती है, चाहे किसी दूसरे सदस्य के द्वारा या अन्य रिश्तेदार के द्वारा भी, तो भी इसके लिए पति को ही जिम्मेदार माना जाएगा। दरअसल महिला का यह आरोप था कि दहेज की मांग पूरी न करने पर उसके पति, ससुर और सास ने बेरहमी से पीटा था वगैरह वगैरह, लेकिन इन सब के लिए जिम्मेदाराना पति होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि दूसरे रिश्तेदारों को बिल्कुल सजा नहीं मिलेगी, सजा के हकदार वो भी होंगे, लेकिन जिम्मेदार पति होगा, समझ रहे हो ना। तो ये कुछ सिचुएशन बन सकती है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, अमेज़न और फ्लिपकार्ट को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया गया देसी ई मार्केट मोबाइल ऐप, यहाँ मिलेगा सस्ता सामान। जहाँ केट ने आखिरकार कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने वेंडर मोबाइल एप्लीकेशन भारत ई मार्केट को महाशिवरात्रि के मौके पर लॉन्च कर ही दिया और अब आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न, फ्लिपकार्ट के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। करीब 8 करोड़ व्यापारियों के संगठन केट ने वेंडर मोबाइल एप्लीकेशन भारत ई मार्केट को दिल्ली में लॉन्च कर दिया। ये पूरी तरह से देसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। केट का यह कहना कि भारत ई मार्केट पूरी तरह से आधुनिक टेक्नोलॉजी, सशक्त डिलीवरी, इनोवेटिव मार्केटिंग वगैरह और काफी चीजों में सक्षम है। देखते हैं आखिर कितना सक्सेसफुल हो पाता है। बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से केट को इसके लिए। चलिए अब बात करें अगले अपडेट में, आज के मौसम समाचार को लेकर खबर है। देखिए वेदर अलर्ट आ रहा दोस्तों कि आज से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ और राजस्थान राज्य में भी कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी आ रही है। इसके अलावा भी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना दोस्तों कि राजस्थान के अलावा भी देश के कई राज्यों में बारिश हो सकती है। कौन कौन से राज्यों में, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि राजस्थान के किन किन जिलों में आज और कल बारिश होने की संभावना है। यहाँ पर पूरी
प्री लिस्ट आप देख सकते हैं। इसके अलावा संपूर्ण भारत का आज 12 मार्च 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान एक तो पश्चिमी हिमालय भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, वही जम्मू कश्मीर उत्तराखंड तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर और पूर्वी राजस्थान उत्तर मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गंगीय पश्चिम बंगाल सिक्किम असम मेघालय अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं केरल और दक्षिण कर्नाटक में भी हल्की मूल की बारिश हो सकती है। उत्तरी मैदानी इलाकों में 12 मार्च को बारिश की तीव्रता बढ़ेगी और संभावना की इस दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो जाए। तो ये कुछ मौसम अपडेट चल रहा है वेदर अलर्ट भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से। अच्छा वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर बात करें तो सोना फिर से 45,000 के करीब पहुंच चुका है, चांदी भी महंगी हुई है। अभी देखिए सोने की नई रेट क्या चल रही है। तो सोने के भाव में 280 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी आई और उसके बाद अभी सोने का नया रेट 44,710 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 400 रुपए की बढ़ोतरी के साथ ही चांदी का रेट 67,400 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया। ओके ये रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। इसके अलावा कोरोना वायरस को लेकर खबर देखिए कुछ अपडेट कि एक तो पीएम मोदी की मां हीराबेन को भी कोरोना की वैक्सीन लगाई गई और पीएम मोदी ने कहा कि आप भी जरूर लगवाएं। जी हाँ, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन मोदी को कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लग चुका है। गुरुवार को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर के जरिए इसकी जानकारी दी है और इसके साथ ही देशवासियों को भी कोरोना का टीका लगाने की यानी कि लगवाने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं विनती करता हूं कि जिन लोगों को वैक्सीन की अनुमति मिल चुकी है उन्हें प्रोत्साहित करें और वैक्सीन लगवाने में आप मदद भी करें। अच्छा साथ ही कोरोना पर और एक अपडेट ये देखिए, लॉकडाउन को लेकर सबसे बड़ी खबर है महाराष्ट्र राज्य में लॉकडाउन 2 लगने की संभावना है। उद्धव ठाकरे ने दिए संकेत, रूस जर्मनी ब्रिटेन से भी ज्यादा केस यहां पर मिल रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना का कहर पुनः बरपने लगा है। हालात ये चल रहे हैं दोस्तों कि पूरे महाराष्ट्र राज्य में लॉकडाउन 2 लगने की संभावना बन रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों को यही चेतावनी दी है कि सावधान रहें और आप कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते रहें यानी कि कोरोना के नियमों को फॉलो अप करते रहें वरना पूरे महाराष्ट्र में पाबंदियां लग सकती हैं। इतना ही नहीं देखिए आप महाराष्ट्र के नागपुर में तो फिर से पूर्ण रूप से लॉकडाउन लग ही चुका है। 15 मार्च से लेकर 21 मार्च 2021 तक महाराष्ट्र के नागपुर जिले में पूर्ण रूप से यानी कि पूरी तरह से कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी गई है। अच्छा साथ ही और एक अपडेट है कोरोना की वैक्सीन को लेकर, देखिए कनाडा में पीएम मोदी की हो रही जमकर तारीफ, सड़कों पर लगे बड़े बड़े पोस्टर। जी हाँ ये देख सकते हैं आप होल्डिंग्स भी, थैंक यू इंडिया एंड पीएम नरेंद्र मोदी फॉर प्रोवाइडिंग कोविड वैक्सीन टू कनाडा, लॉन्ग लाइव कनाडा इंडिया फ्रेंडशिप, इस तरह के होल्डिंग्स जो हैं ये कनाडा में लगाए जा रहे हैं जो कि वाकई में हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात है। दोस्तों दुनिया भर में भारत की तारीफ हो रही है। कोरोना महामारी के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के देशों को वैक्सीन देने का काम किया और इसको लेकर कई देशों ने भारत की तारीफ की है। भारत ने हाल ही में कनाडा के अलावा नेपाल और बांग्लादेश समेत कई देशों को कोरोना की वैक्सीन पहुंचाई थी और कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने में मदद की है दूसरे देशों की। वाकई में दोस्तों कठिनाई के समय मदद की हुई और काम आया इंसान जो है वो जिंदगी भर याद रहता है, ठीक उसी तरह से भारत देश भी दूसरे देशों को हमेशा याद रहेगा, अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर देखिए, धरती पर आई अनेक महामारियों से अब तक कुल 12 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मतलब देखिए वैज्ञानिकों का एक डेटा निकल कर आ रहा है, अभी पूरी दुनिया पर जैसे कोरोना महामारी का संकट चल रहा है इससे पहले भी कई सारी महामारियां आ चुकी हैं, प्लेग वगैरह, स्पेनिश फ्लू, बर्ड फ्लू, तो कई सारी महामारियों के चलते दुनिया भर में मतलब सभी महामारियों के चलते 12 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जो कि वाकई में डराने वाला आंकड़ा है, राइट। अच्छा इसके अलावा कोरोना पर और एक खबर देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय का एक फैसला आ रहा है कि चुनावी राज्यों में वैक्सीन सर्टिफिकेट पर नहीं होगी पीएम मोदी की फोटो, क्योंकि कई लोग जो हैं इसको एक राजनीतिक एंगल से जोड़ कर देख रहे हैं और इसीलिए कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो को हटा दिया जाएगा चुनावी राज्यों में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये फैसला लिया गया है। ओके भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 20,000 के लगभग नए संक्रमित मामले देखे गए और उसके बाद अभी इंडिया में कुल संक्रमितों की संख्या 1,13,00,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिनमें से एक्टिव केस यानी कि सक्रिय मामले जो हैं वो चल रहे हैं 1,95,000 से भी ज्यादा। और बाकी दोस्तों इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,58,000 से भी ज्यादा हो चुका है। अच्छा इसके अलावा देखिए दोस्तों किसान आंदोलन से संबंधित एक खबर है कि 4 महीने में तीसरी बार भारत बंद करेंगे किसान भाई लोग, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये ऐलान कर ही दिया गया है। हाल ही में आपको पता होगा 1-2-3-4 महीने पहले भी सरकार के द्वारा लागू किए गए तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसान भाई लोगों ने भारत बंद वगैरह रखा था, राइट। लेकिन अब किसान भाई लोग इसी महीने 26 मार्च को भी और भारत बंद का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि ये भारत बंद शांतिपूर्ण होगा लेकिन भारत बंद रहेगा, सुबह से लेकर शाम तक प्रभावी रहेगा ये। ओके तो ये कुछ अपडेट चल रहे हैं किसान आंदोलन पर। अच्छा अब अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, देखिए आप अपडेट।
रेलवे ने ठेका कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है, ऐसे सुनिश्चित कराएगा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने जो डेली बेसिस पर काम करने वाले रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं ना, उनके लिए बड़ा ऐलान किया। श्रमिकों के हित में भारतीय रेलवे ने श्रमिक कल्याण ई एप्लीकेशन विकसित किया, जो कि न्यूनतम मजदूरी के प्रावधानों का 100% अनुपालन सुनिश्चित करता है। ये कर्मचारियों के लिए रेलवे का एक बहुत ही अच्छा कदम भी है। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, देश के किसी भी कोने में ले सकेंगे राशन, क्योंकि 17 राज्यों ने आखिरकार वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम को लागू कर दिया। ये क्या, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कई बार कि वन नेशन वन राशन कार्ड का मतलब ये है कि आप अपने राशन कार्ड से अपने खुद के राज्य के अलावा और देश में कहीं पर भी सरकारी राशन दुकान से राशन खरीद सकते हैं, अगर आप वन नेशन वन राशन कार्ड से जुड़े हैं तो, ठीक है ना। और साथ ही अगली खबर देखिए आप, कॉन्टेक्ट लेस पेमेंट को लेकर एक्सिस बैंक की एक नई पहल है। एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया हाथ में पहनने वाला पेमेंट डिवाइस। पेमेंट के लिए आपको पिन डालने की भी जरूरत नहीं होगी। जी हाँ, वीयर एंड पे करके एक्सिस बैंक ने एक नया कॉन्टेक्ट लेस पेमेंट डिवाइस लॉन्च किया। ये डिवाइस की चेन और वॉल लूप के साथ पहना जा सकता है। इसकी कीमत मात्र 750 रुपए है। तो ये एक्सिस बैंक की एक अच्छी पहल है। भुगतान के लिए आपको किसी भी तरह के वॉल्ट कार्ड या वॉलेट वगैरह की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। देख सकते हैं आप, एक्सिस बैंक की तरफ से ट्वीट भी किया गया इसको लेकर। अच्छा, साथ ही बैंकिंग न्यूज को लेकर और एक अपडेट ये देखिए दोस्तों की PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक जो है, वो नौकरी करने वाले लोगों को 3-3 लाख रुपए तक का फायदा दे रहा है। खाते में जीरो बैलेंस होने पर भी ये पैसा मिलेगा उनको। दरअसल PNB पंजाब नेशनल बैंक नौकरी करने वाले लोगों के लिए खास खाता लेकर आया है, जिसमें आपको कई सुविधाएं मिलती हैं। इस खाते का नाम है माई सैलरी अकाउंट, PNB माई सैलरी अकाउंट है ना। इस अकाउंट को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, सिल्वर, गोल्ड, प्रीमियम और प्लेटिनम। इसमें सभी पे स्केल वालों को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बांटा गया। आपकी पे स्केल कितनी, उस हिसाब से आपको अकाउंट का बेनिफिट मिल जाता है। अब इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं देखिए आप, एक तो 20 लाख रुपए तक का मुफ्त व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी मिलता है आपको। 20 लाख रुपए का तो फ्री इंश्योरेंस कवर मिलता है एक्सीडेंटल। ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है और स्विप सुविधा भी मिलती है। तो जरूर आप भी नौकरी करने वाले हैं तो पंजाब नेशनल बैंक में माई सैलरी अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, किया का कार मालिकों को अल्टीमेटम है, चेतावनी समझ सकते हैं आप कि इस तरह की कार को घर के बाहर ही पार्क करें वरना आग वगैरह लग सकती है। जी हाँ, दरअसल कार निर्माता कंपनी किया जो है ना, उसने अमेरिका में करीब 380,000 स्पोर्टेज SUV और कैडेजा सेडान के लिए एक आदेश जारी किया। कंपनी का यह कहना है कि संभावित फॉल्ट की जांच करने के लिए रिकॉल आदेश जारी किए गए हैं, जो कि हालातों की जांच करेगा और इंजन कंपार्टमेंट क्षेत्र में आग का कारण का पता लगाएगा। तो कहने का मतलब, अमेरिका में फिलहाल ये किया ने आदेश दिया कि ऐसी जो SUV वगैरह अगर आपके पास है तो घर में खड़ी ना करें, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों, हुंडई कंपनी जो है भारत में कार वगैरह खरीदते हैं आप तो 1.5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट वगैरह भी दे रही है। अभी अपने नजदीकी शोरूम आप जा सकते हैं। और साथ ही अगली खबर देखिए, चिकित्सा सेवाओं में आगामी 6 महीने तक हड़ताल पर रहेगी रोक, रेशमा की अवधि 6 महीने बढ़ा दी है। राजस्थान राज्य को लेकर अपडेट है। राजस्थान में चिकित्सा सेवाओं, हेल्थ सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज जितनी भी है ना, उन पर आगामी 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर पाएंगे कोई भी कर्मचारी वगैरह, स्ट्राइक पर रोक रहेगी। राज्य सरकार ने रेशमा की अवधि को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। 14 मार्च को यह अवधि समाप्त हो रही थी। गृह विभाग ग्रुप 9 ने रेशमा की अवधि बढ़ाने की अधिसूचना भी जारी कर दी है। अच्छी बात है। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, ई कॉमर्स फील्ड को लेकर एक सर्वे में इस बात का पता चला कि साल 2024 तक भारत में 8 लाख करोड़ रुपए का ई मार्केट हो जाएगा। 4 साल में करीब सालाना 21% तो बढ़ने का अनुमान है। मार्केट और ई कॉमर्स वगैरह में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा 24 तक। 21% उछाल आ सकता है, बढ़ाई हो सकती है ना। और अगली खबर देखिए, राजस्थान में कोटा यूनिवर्सिटी जो वो मुफ्त में देंगी कौशल विकास की ट्रेनिंग। विद्यार्थियों ने इसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया। अगर आप आसपास के इलाकों में रहते हैं तो रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। और अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में थोक विक्रेता ले सकेंगे शराब की दुकान, मॉडल शॉप, बियर बार और पर्सनल बार का लाइसेंस। जहां उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव और होली त्योहार को देखते हुए आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने एक अहम समीक्षा की बैठक की। और बैठक में आबकारी मंत्री ने प्रदेश में राजस्व बढ़ाने और अवैध शराब के निर्माण, व्यापार और तस्करी जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ये सरकार की अच्छी पहल है। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, झारखंड राज्य में हेमंत सोरेन सरकार सख्त हुई है। गाड़ी पर नेम प्लेट वगैरह लगवाने पर अब भारी भरकम जुर्माना देना पड़ेगा। जी हाँ, कई बार ऐसे नियम कई अलग अलग राज्यों के सरकार द्वारा निकाले जाते हैं, मतलब गाड़ी के पीछे नेम प्लेट पर कुछ भी नाम वगैरह ना लिखें और नेम प्लेट के अलावा और कोई दूसरी प्लेट या पोस्टर लगाकर भी गाड़ी पर कोई जाति नाम वगैरह ना लिखें। यहाँ तक कि दोस्तों, झारखंड सरकार का तो ये भी कहना कि आप गाड़ी के कांच वगैरह जो ग्लास पर लोग बाग कई सारे अंदर के ग्लास पर बाहर से फ्रंट ग्लास पर जो है कुछ अंदर से नाम वगैरह लिख देते हैं, कुछ स्टिकर पोस्टर वगैरह लगवा देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। झारखंड राज्य में अगर अब आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आप पर जुर्माना भी हो सकता है। ओके, दिस इज द न्यू रूल्स इन झारखंड स्टेट।
और इसी के साथ ही दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट, वीडियो ये फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि गर्मी के मौसम में ज्यादातर कौन से कपड़े पहने जाते हैं, कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और सेलेक्ट होने पर आपको मिल सकता है DLS न्यूज की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता ना तो इसे लाइक कीजिए, लाइक करना ज्यादा से ज्यादा, और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और DLS न्यूज चैनल को इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का बटन मिलेगा दोस्तों, उसको दबा देना है, और पास में घंटे का बटन बन के आएगा उसको भी दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने से आप रोजाना ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात होगी। कहने का मतलब आप DLS न्यूज फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगे, है ना। और इसके साथ ही आज का अपडेट यहीं फिनिश होता है। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।